हेलो फ्रेंड्स, आपका निकितास किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ वेज दम बिरयानी की रेसिपी। तो इस बिरयानी को हम बिल्कुल इजी तरीके से बनाएंगे। इसमें चावल का दाना एक एक महकेगा और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया निकल कर आएगा। तो अगर आपको मेरी ये बिरयानी की रेसिपी पसंद आए तो रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। तो वेज बिरयानी बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक टमाटर पहले मिक्सर में चला लिया है और उसके अंदर डाला है मैंने 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और साथ ही साथ डाल रही हूँ 1.5 चम्मच बिरयानी मसाला। तो अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला भी ले सकते हो, घर का बना हुआ। तो अब हम इस सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मसाला हमने बना लिया है। अब हम बिरयानी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने 2 तेज पत्ते लिए हैं, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग और 4 काली मिर्च और आधा चम्मच शाही जीरा। अब इसे हम अच्छे से चला लेंगे, इसे थोड़ा सा हम अच्छे से कुक कर लेंगे। और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं 1 बड़ा कटा हुआ प्याज, मैंने इसे लंबा लंबा कट कर लिया है। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि प्याज पे कलर नहीं आता तब तक हमें इसे भूनना है। जो बर्तन में हमें बिरयानी बनाना है उसी में ही हम इस सब्जी को बनाएंगे। तो देखिए, प्याज पे कलर आ चुका है। अब 2 चम्मच के करीब मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट ली है। बिरयानी में अदरक लहसुन थोड़ा सा ज्यादा जाता है, तो हमें 2 चम्मच के करीब लेना है और इसे भी अच्छे से हमें भून लेना है। तो देखिए, अदरक लहसुन अच्छे से भून चुका है। अब हम ये मसाला डाल देंगे जो हमने मिक्स करके रखा था, और इसे भी हम अच्छे से चला लेंगे। जब तक इसका तेल ना अच्छे से निकले तब तक हमें इसे अच्छे से चला लेना है। अब जिस बाउल में मैंने मसाला निकाल कर रखा था उसमें ही मैंने पानी डालकर इसमें ऐड कर लिया है और मसाला को अच्छे से भून लिया है। अब साथ ही साथ डाल रही हूँ मैं 1/4 कप इतना ग्रीन पीस, 1 गोभी का फूल लिया था मैंने छोटा सा, उसे कट कर लिया है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है, और 1 छोटा सा गाजर मैंने कट कर लिया था वो भी इसमें ऐड किया है, आधी शिमला मिर्च ली मैंने और 100 ग्राम मैंने पनीर लिया है। मैं इस बिरयानी में आलू नहीं डाल रही हूँ, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो। तो अब हम मसालों को अच्छे से सब्जियों के अंदर मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसे भूनते रहेंगे। तो देखिए, 3 से 4 मिनट मैंने सब्जियों को अच्छे से भून लिया है मसालों के अंदर। अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं दही, 1/4 कप के करीब हमें दही डालना है। बस दही खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही हमें इसमें यूज करना है। तो अब दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और दही जब तक अच्छे से कुक नहीं होता है तब तक हमें इसे चलाकर अच्छे से हिलाते रहना है, नहीं तो दही फट भी सकता है। तो देखिए, दही अच्छे से कुक हो चुका है, पर जो हमने सब्जियां इसमें डाली थी वो अभी कच्ची ही है। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, 2 से 3 चम्मच के करीब हमें पानी ऐड करना है इसमें, और इसे हमें कुक होने के लिए थोड़ा सा रख देना है, जिससे कि अच्छे से कुक हो जाएंगी और इसका तेल भी अच्छे से निकल जाएगा। और साथ ही इसमें डाल रही हूँ मैं स्वादानुसार नमक, और नमक डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे। आप देख सकते हो सब्जियां भी पानी छोड़ रही है और ये भी कुक हो रही है। तो अब इसे हम लीड लगाकर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। सब्जियां हाफ कुक हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो सब्जी हमारी बनकर रेडी है। तो बस हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए चला लेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। बिरयानी के लिए सब्जी बन चुकी है, अब हम चावल को भी बना लेंगे। तो चावल बनाने के लिए मैं पानी गर्म कर लिया है, चावल के 3 गुना पानी हमें डालना है। उसके अंदर मैंने 2 तेज पत्ते, 1 दालचीनी, 4 हरी इलायची, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची और नमक डाला है। नमक हमें ज्यादा ऐड करना है क्योंकि हम चावल को इसमें से छान लेंगे पानी में से, तो चावल में नमक बराबर से होना चाहिए, इसलिए नमक हमें थोड़ा सा ज्यादा ऐड करना है। आधा नींबू का रस मैंने डाला है, और 2 कप चावल मैंने पहले से भिगो कर रखे थे, बिरयानी के चावल लिए है मैंने। आप चाहो तो सादे वाले चावल भी ले सकते हो, पर चावल थोड़ा सा जूना होना चाहिए जिससे कि वो खुला खुला बने। तो देखिए, 8 से 10 मिनट में चावल रेडी हो चुके हैं। चावल हमें 60% कुक कर लेना है।
तो अभी इस चावल को मैं निकाल ले रही हूँ पानी में से, और पानी में से निकाल कर इसे फैला कर मैंने रख दिया है। अब इसमें मैंने आधा चम्मच इतना घी डाला है और घी इस तरह से मैंने लगा लिया है जिससे कि चावल में फ्लेवर अच्छा से आ जाए। अब जो हमने सब्जियां बना ली है उसमें से आधी सब्जी मैं निकाल ले रही हूँ। स्पेशली हमें पनीर पनीर निकाल लेना है क्योंकि नीचे के लेयर में अगर पनीर रहेगा तो ज़्यादा कुक होकर हार्ड भी हो सकता है, इसलिए हम इसे बीच के लेयर में लगाएंगे। तो पनीर पनीर मैंने निकाल लिया है और थोड़ी सी सब्जियां निकाल ली हैं। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, जो हमने चावल में से निकाला था वही पानी मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है। बिरयानी के नीचे के लेयर में पानी थोड़ा सा ऐड करना जरूरी रहता है, नहीं तो सूखी सब्जी रही तो बिरयानी नीचे से जल भी सकती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है और एक लेयर चावल के लगा ली है। और साथ ही साथ डाला है इसमें आधा चम्मच घी। घी ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डालिए, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। अब इस पे डाल रही हूँ मैं फ्राइड काजू, कुछ मैंने पुदीना के पत्ते लिए हैं, इसी के साथ मैं लगा रही हूँ धनिया के पत्ते। और साथ ही साथ डाल रही हूँ मैं इसमें हरी मिर्च, ये मैंने बीच में से ऐसे कट कर लिए है। तो इसे लगाने के बाद हम इसमें डालेंगे तली हुई प्याज। तो देखिए इसे लगाने के बाद हम इसमें सब्जियां डाल देंगे, जो हमने आधी सब्जियां इसमें निकाल कर रखी थी वो हमें ऐड कर लेना है। तो इसे इस तरह से हम फैला लेंगे, और इसे फैलाने के बाद दो चुटकी इतना हमें लेना है बिरयानी मसाला। और इस तरह से मैं हाथों से इसे डाल दे रही हूँ जिससे कि सब तरफ से अच्छे से लग जाए। और इसके ऊपर लगाएंगे हम चावल की लेयर। तो देखिए इस तरह से चम्मच से हम डालते जाएंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे। तो सेकंड लेयर भी मैंने इस पर लगा ली है। अब इसके अंदर मैं वापस से घी डाल रही हूँ आधा चम्मच इतना, उसके बाद लगा रही हूँ काजू, और उसी के बाद हम लगाएंगे इसमें पुदीना के पत्ते। बिरयानी में पुदीना का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, और साथ ही साथ तले हुए प्याज का भी। तो देखिए अब लगा रही हूँ इसमें कटा हुआ हरा धनिया, और लगा रही हूँ तली हुई प्याज। इतने बिरयानी के लिए मैंने दो प्याज पहले से तल कर रखी थी, और साथ ही साथ डाला है मैंने केसर का पानी, और येलो कलर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर चाहो तो डाल सकते हो नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। दो तीन बूंद डालेंगे हम केवड़ा जल, ये भी ऑप्शनल है। तो अब लास्ट में मैं डाल रही हूँ बिरयानी मसाला, ये दो चुटकी के करीब लिया है। इस तरह से हम बिरयानी मसाला इस पे डालते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता निकल कर। अब हम डीड लगा लेंगे, और इसके ऊपर मैं साइड से लगा रही हूँ आटा। तो ये आटा मैंने पहले से भिगो कर रखा था, तो इस तरह से हमें लगा लेना है। आटा मैंने बिल्कुल नरम गूंद कर रेडी किया था। तो देखिए इस तरह से इसे पैक कर रही हूँ। पैन को हमें सभी साइड से अच्छे से पैक कर लेना है, स्टीम बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। तो देखिए अब इसे हम रखेंगे तवे पर, और तवे पर रख के हमें 20 मिनट के लिए इसे स्टीम करना है। तो देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, बिरयानी बनकर रेडी है। मैंने साइड का आटा निकाल लिया था, तो आप देख सकते हो बिरयानी कितनी अच्छी बनी है, एक एक दाना खिला हुआ है, उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आ रहा है, चावल के हर दाने में से स्टीम निकल रही है और इसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें साइड से इसे निकालना है और इसे सर्व करना है, इसे हमें मिक्स नहीं करना है, इसी तरह से बिरयानी को सर्व किया जाता है। तो अगर आपको मेरी ये बिरयानी की रेसिपी पसंद आई है और आपको और भी रेसिपी देखने का मन हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। तो इसी तरह से हम मिलते रहेंगे और एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।